हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो मैं आ गई हूँ आप लोगों के बीच में दोबारा से एक अच्छी सी वीडियो लेकर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मई के महीने में भी रक्षा में बर्फ़ पड़ी है, आगे छितकुल में भी बर्फ़ पड़ी है। तो ये सुबह की वीडियो है जो मुझे गांव से भैया ने शेयर करी है। तो भैया को मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि जब कभी भी मैं उनसे वीडियो मांगती हूँ तो हमेशा मेरे साथ शेयर करते हैं। तो थैंक यू भैया। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक रेसिपी जिसको हम रक्षम की बोली में सुस्का बोलते हैं, जो पालक को ड्राई करने के बाद बनाया जाता है। तो अभी गर्मियों का मौसम शुरू हो रहा है तो मेरे पास थोड़ा सा बचा है तो मैं बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी क्यों ना मैं शेयर करूँ। आप मुझे ज़रूर बताना कि आप अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हो इसको, और कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पालक को लिया है। पालक के साथ बकवीट के लीव्स होते हैं, उनको भी हम सुखा के रखते हैं विंटर सेशन के लिए। नॉर्मल मसाले ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो लास्ट में मेरे पास है बेसन, तो आप बेसन के साथ साथ जो छुरा होता है आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। छुरा मैंने आपको पहले जब कढ़ी बना रही थी तब मैंने आपके साथ शेयर करी थी। तो यहाँ पे जो पालक है उसको यूज़ करने से पहले थोड़ी देर के लिए डिप करना पड़ेगा ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। और चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सारे मसाले ऐड करने के बाद लास्ट में नमक ऐड करना है, और उसके बाद इसमें आप इसकी कंसिस्टेंसी, आप इसको थोड़ा सा गीला भी कर सकते हो और थोड़ा सा नॉर्मल ऐसे भी रख सकते हो। आप चावल के साथ खाना चाहते हो तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विड रखे, अदरवाइज़ चपाती के साथ या फिर हॉट या फिर चिल्टे के साथ खाना है तो नॉर्मल सा रख सकते हो। तो ये देख सकते हैं आप, हमारा जो सुस्का वो बन के रेडी हो चुका है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो थैंक यू सो मच, मेरी वीडियो को ऐसे ही लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहिए। मिलते हैं दोबारा से, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।